देख लेते हैं। चलो मैं आपको सरप्राइज ही दे देती हूँ पहले। तो यस, हमारे चैनल पर हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, एंड आई होप आप लोग बहुत जबरदस्ती से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सॉरी, जबरदस्ती नहीं, आपकी बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही होगी। एंड इसी जबरदस्त तैयारी को मैं और अच्छा बनाने के लिए इस वीडियो को लेकर आई हूँ। सो थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, जो वीडियो का टॉपिक है इज हाउ टू कवर योर होल फिजिक्स सिलेबस इन 5 मंथ्स। एंड यस, यू विल बी एबल टू क्रैक योर एग्जाम एंड यू विल ऑल गेट योर ड्रीम कॉलेज। ओके, सो दिस वीडियो में आप लोग पूरा जानेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो को एंड तक देखना, एक सरप्राइज भी है सभी के लिए, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्प होने वाली है, बहुत ज़्यादा। पर इस चीज़ के लिए मुझे आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। सो प्लीज़, जो चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड जो लोग ऑलरेडी हैं या जो भी हैं, प्लीज एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर करो यार, अपने दोस्तों में शेयर करो। आप लोग के ग्रुप्स होंगे वहां शेयर करो, ठीक है? तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें हमें जो अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए हमें सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या सिलेबस हमारा एग्जाम में आने वाला है। सो कुछ चैप्टर्स इस बार कटे भी थे, ठीक है, कुछ चैप्टर्स डिडक्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों को डिडक्ट चैप्टर हटाकर ही अपनी एम्स की भी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो चैप्टर जो हट गए हैं उन्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं वो हमारे एनसीईआरटी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनता है। तो आप लोगों को तो ये वाला डाउट तो निकाल दो क्या आएगा। तो जो चैप्टर कट चुके हैं वो नहीं करना, सारे न्यू चैप्टर्स करने हैं अपने। ओके, दूसरी बात आ जाती है, हमारे पास एक अच्छी बुक होनी चाहिए पढ़ने के लिए, जिससे हमें, हम थ्योरी करेंगे और एक क्वेश्चन के लिए भी होनी चाहिए जहाँ से हम अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लोग को शायद कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हो, तो प्लीज अवॉइड दिस, तो सॉरी फॉर दैट। एंड ठीक है, हम बात कर रहे थे फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जितनी मर्जी थ्योरी पढ़ लो, आप लोगों का एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है तो आपको थ्योरी आनी चाहिए, आप लोगों को एमसीक्यू आनी चाहिए, ठीक है? इसके लिए बुक्स चाहिए हमें, तो फिंगर टिप्स बेस्ट बुक लगती है मुझे, और मैं दो बुक के लिंक डालूंगी कमेंट में, और सॉरी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे एक बार चेक कर लेना, ठीक है? और जिसके पास नहीं है उन लोगों के लिए, लेकिन जिसके पास है ना, प्लीज आप उन्हीं बुक से पढ़ो। चाहे आप लोग, आपको किसी का कोचिंग मटेरियल है या आपने कोई भी अदर ऑथर की बुक ले रखी है, तो प्लीज उसी पर रिलाय रहो। क्योंकि अगर आप मतलब ये सोचोगे मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, चलो ये देख लूँ, वो देख लूँ, तो इससे हमारा माइंड ही डाइवर्ट होता है एंड हम नहीं पढ़ पाते, ठीक है? तो एक चीज आप लोगों ने कहीं सुनी होगी कि आप कहते हैं ना कि एक बुक पढ़ो वो ज्यादा बेटर है 1000 बुक पढ़ने से अच्छा, ठीक है? उसी को एक बुक को या 1000 बार पढ़ो, ऐसा कहते हैं ना, सुना होगा आप लोगों ने। क्योंकि एक ही चीज जब हम बार बार पढ़ते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में जाएगी, बल्कि हम नई नई चीज 1000 बार पढ़ लेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके से, तो वो उतना बेनिफिशियल हमारे लिए नहीं रहेगा। सो प्लीज आप आज से एक चीज करो कि मैं पढ़ूंगा इधर से पढ़ूंगा, कोई भी आपका जहाँ से भी आप अपना क्लास लेना चाहते हैं। वैसे तो अभी आपके लिए मैं सरप्राइज देने वाली हूँ। सो कहीं से भी लेना चाहते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, किसी भी बुक से पूरा थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं, सो प्लीज उसी पर फोकस करो। बच्चों में बहुत रहता है कि हम यहाँ से भी पढ़ लें, हम यहाँ से भी पढ़ लें, तो ये चीज़ बहुत गलत हो जाती है एंड यही एक ड्रॉबैक हो जाता है जिससे हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता, ठीक है? एम्स के एग्जाम में हमारे 30 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, ठीक है, जिसमें से आप लोगों को 27-28 तो सही करने हैं, एम बनाओ 20+ तो सही होने ही होने हैं, ठीक है? चलो, इसके बाद हमारा हो गया सिलेबस, हमने देख लिया। बुक्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आप लोग एक बार चेकआउट करेंगे। नाउ अब हम देख लेते हैं। तो चलो मैं आपको पहले सरप्राइज ही दे देती हूँ, जो आपका न्यू ईयर गिफ्ट है मैं आपको वही दे देती हूँ। तो गिफ्ट है कि यस, शायद कुछ लोगों को पता चल गया होगा, तो गिफ्ट ये है कि
कि हमारे चैनल पर फ्री कोचिंग दी जाएगी। फ्री कोचिंग फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं फर्स्ट वीक ऑफ जैन से, जिसमें आप लोगों को पूरा एक एक चैप्टर वाइज हफ्ते में 2 चैप्टर हम कवर कराने का पूरा टारगेट कर रहे हैं, जिसमें आप पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फॉर्मूला, जो भी चीजें हैं, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, इसके जो हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एम्स का एग्जाम आने वाला है जून में, उससे पहले हम 1 मंथ, मई का मंथ हमारा किसके लिए रहने वाला है? हमारा वो टेस्ट सीरीज का रहेगा। टेस्ट सीरीज की इन्फो भी आएंगी, टेस्ट सीरीज भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। और 4 मंथ जो हमारे 4 मंथ्स रहेंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल तक, तब तक हम अपने तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है? अब इसमें ये तो हम कर रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को कुछ नहीं करना, क्लास की टाइमिंग आप लोगों को बता दी जाएगी, कॉपी पेन लेकर बैठो, कंसेप्ट समझो, क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, और जिस वीक में आपको जो कराया जा रहा है उसे तभी उसकी छुट्टी कर दो चैप्टर की कि हो गया, फिर बस रिवीजन के लिए उठेगा वो, ठीक है? जो भी आपके पास बुक्स आप एमसीक्यू करेंगे वहां से आप लोग अपने एक चैप्टर के मिनिमम 50 to 100 इतने क्वेश्चन तो करो ही, बाकी आपकी कितनी मर्जी है उतने कर सकते हो, ठीक है? ये था आप लोग के लिए सरप्राइज की फ्री, बिल्कुल फ्री कोचिंग है ये एक जो मैं आपको लेके आ रही हूँ। पर इसके लिए आप लोग को एक फेवर करना पड़ेगा, वीडियोस अपने दोस्तों में शेयर करनी पड़ेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी 10K करवाओ यार, ठीक है? और लाइक करो, कमेंट भी भर भर के करो, जो डाउट आ रहा है कमेंट करो, उस चीज डाउट को भी क्लियर करके हम लाइव सेशन भी चला सकते हैं, वीडियोस भी अपलोड हो सकती हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये न्यूज़ सुन के आप लोगों को अच्छा लगा हो, और तो प्लीज सपोर्ट करते रहिए, खुद की तैयारी शुरू कर दीजिए। बच्चे, मैंने एक पोस्ट डाली थी, बच्चे कमेंट करते हैं उसमें कि ऐसा था कुछ, पोस्ट करिए, हंसी का सीन बताती हूँ, कि तैयारी करनी है, मेहनत आज से करोगे तब भी क्लियर हो जाएगा, इस तरह कोई पोस्ट थी। उसमें कोई बच्चे मतलब बहुतों का आया था, यस मैम मेहनत करनी है, कुछ ने ऐसे बोला कि नहीं हमें नहीं करनी, हमें बैठे बैठे चाहिए। दिस वॉज वेरी फनी, मतलब मुझे बहुत हंसी आई थी। कोई बात नहीं, चौक के मिल जाएगा बैठे बैठे भी, पर ठीक है, जॉक्स अपार्ट, आप लोग पढ़िए, डेली पढ़िए, आज से मेहनत करना शुरू करोगे तब निकलेगा, नहीं तो आप आज से 1 महीने बाद भी उठे ना कि अब मुझे पढ़ना है, नहीं हो सकता। और आप लोग अगर 12th में भी है ना, 12th में है या फिर आप प्रॉपर्स में है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा निकाल सकते हो ना पढ़ाई से अपनी, मुझे पता है बोर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, 1 घंटा निकाल सकते हो, या फिर आप अभी नहीं निकालोगे तो आपको वही जो हमारी क्लासेस चलेंगी आपको अपने बोर्ड्स के बाद देखना पड़ेगा एग्जाम से पहले, ठीक है? वो इट्स अप टू यू, हाउ विल यू मैनेज दिस, ठीक है? हम क्या कर सकते हैं, हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, पर एट द एंड क्लासेस आपको लेनी है, कंसेप्ट आपको समझना है, क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, टाइम आपको निकालना है, और ये सब आप खुद कर लोगे अगर आपका सच में एम्स में एडमिशन लेने का सपना होगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? अगर आप ऐसी बस मजे में हो तो फिर आपका एडमिशन एडमिशन के आपका पेपर ही क्रैक नहीं होने का है, तो एडमिशन भी बहुत दूर की बात है, ठीक है? अगर सच में चाहते हो प्लीज आज से मेहनत करो, न्यू ईयर के फर्स्ट जैसे अपनी पढ़ाई ऐसी रखो कि आपका जो 2024 ईयर है वो आपको आपका मन पसंदीदा कॉलेज, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन दिला दे, एक यादगार बन जाएगा आपके लिए साल, ठीक है? आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए, और मोर इम्पोर्टेंटली आपकी खुद की लाइफ के लिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, अब मिलते रहेंगे, और बस आप लोगों की मेहनत चाहिए, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।